जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वहीं पूर्णिमा है। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अष्टांग सूत्र 8 मंत्र दिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधि, यानी मन की एकाग्रता। मन, वाणी और संकल्प में, हमारे कर्मों और प्रयासों में अगर ये संतुलन है तो हम दुखों से निकलकर प्रगति और सुख को हासिल कर सकते हैं। यही संतुलन हमें अच्छे समय में हमें लोक कल्याण की प्रेरणा देता है और मुश्किल में धैर्य रखने की ताकत देता है। धम्मपद कहता है, वैर से वैर शांत नहीं होता बल्कि वैर अवैर से, बड़े मन से, प्रेम से शांत होता है। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्मशोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों को का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अप्पदीपो भव भिक्खवे, अप्पदीपो भव भिक्खवे, परीक्षा भिक्षवो ग्राह्यं मद वचो नतु गौरवात्। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण
ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्प बुद्धम प्रवज्जन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवाचरत्तोच भावनाए रतो मनो, अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं, यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है, इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भगवान बुद्ध के प्रति जिस तरह का भाव और भक्ति हम सभी रखते हैं, शायद उसका बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। जैसे लोग मंत्र से मुग्ध तो होते ही हैं, वैसे ही हम बुद्ध से भी मुग्ध होते हैं। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा, वो कथा, वो केवल निर्वाण प्राप्ति के पथ की कथा नहीं है, ये कथा है इस सत्य की कि जो व्यक्ति भी अपने ज्ञान, धन, संपदा से दूसरों की वेदना और दुख दूर करने का प्रयास करता है, वह हर व्यक्ति सिद्धार्थ से बुद्ध के राह पर चल पड़ता है, चल सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये हमारे देश की पवित्र भूमि से निकल संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जन जन का मंत्र बन संघम शरणम गच्छा। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो गुरुभ्यो।